अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समीज कुजीन। तो जी आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, केक मिक्स या केक बैटर। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और ये हर जगह पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी होता है ये इस तरह से एक पैकेट, और इसमें डिफरेंट फ्लेवर होते हैं। इसमें आप चॉकलेट फज फ्लेवर भी ले सकते हैं, लेमन फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला फ्लेवर ले सकते हैं, और रेड वेलवेट केक, और बहुत सारे इसमें वैरायटी है। तो मैंने सोचा जी एक ये ला के तो इसको ट्राई किया जाए। और इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन होता है कि आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं चाहिए होते, बस ये देखिए इसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आपने मफ़िन बनाने हैं, कपकेक्स बनाने हैं, या आपने ब्राउनीज इसकी बनानी है, या केक बनाना है, तो उसके हिसाब से आपको क्या जो है वो अमाउंट में रिक्वायर्ड होती हैं। तो जी मुझे यहाँ पर चाहिए था 200 ml वाटर, तो इसके ऊपर क्योंकि मैंने केक बनाना था तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी नाप के रखा था गिलास में। तो और 4 tablespoons मुझे इसमें ऑयल के चाहिए थे, कुकिंग ऑयल। और ये एक पैकेट मैंने ले लिया, इसको खोल लेते हैं। और पहले हम ऑयल को पानी में अच्छे से मिक्स करके और इस पैकेट को, तो जी इसको ना पहले हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं ताकि इसमें जो है वो लम्स ना बने बाद में। वो इसको अच्छे से छान के फिर हम यूज़ करेंगे। और बस अब इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर और थोड़ा सा फोल्ड करके तो फिर मैंने इसको बीटर से बीट कर लिया था। और बीट करने का टाइम जो है वो इसके ऊपर रिक्वायर्ड होता है, उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने जो भी बनाना है उस हिसाब से आपने इसको कितने मिनट तक बीट करना है। और आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं भी है तो आप हैंड विस्क से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और देखें ये कितना नाइस एक स्मूथ सा टेक्सचर इसका रेडी हो गया था। तो बस जी मैंने इधर फिर पैन को ग्रीस कर लिया और फिर मैंने इसमें इस मिक्सचर को डाल के तो मैंने इसको ओवन में बेक कर लिया था। ओवन को इतनी देर में मैंने पहले प्री हीट पर रख दिया था, और प्री हीट होने के बाद इसको मैंने तकरीबन 60 मिनट तक बेक किया था। तो 180 से 190 तक आप इस पहले ओवन को ऑन करके प्री हीट कर लें एटलीस्ट 20 मिनट तक, और फिर आप इसको बेक कर लें। तो 60 मिनट बेक करके मैंने इसको 180 डिग्री पर, तो फिर मैंने इसको एक बार स्टिक से चेक कर लिया था, टूथपिक हो या स्टिक हो आप उससे इसको चेक कर लें। और देखें फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया और इसको रख दिया 10 से 15 मिनट तक। अब यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया था। जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए आप इसको कट करें, और ये मैंने इसकी डबल लेयर कर ली थी। और अब मैंने जी यहाँ पर दूध ले लिया था थोड़ा सा, और इसमें मैंने 2 teaspoons चीनी की डाल ली थी और 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाला था। और अच्छे से मिक्स करके दूध को तो फिर मैंने इसके ऊपर केक के ऊपर इसको डाल दिया था ताकि केक हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो ये जी यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप थे पड़े हुए घर में, तो फिर मैंने वो भी डाल दिए थे मैंने केक के ऊपर। और ये फ्रॉस्टिंग के लिए भी जो है मैंने इंस्टेंट ही यूज़ किया था पॉट, ये मिल जाता है इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो हर जगह पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती हैं। तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत सी चीज़ें हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं जिनको यूज़ करके तो हम अपने किसी भी इवेंट को बहुत स्पेशल बना सकते हैं। लाइक अगर आपके घर में कोई भी बर्थडे है और आपको दिल कर रहा है कि आप घर में खुद ही केक जो है वो बेक कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेसिपी की तरफ नहीं जाना पड़ता। इस तरह की इंस्टेंट जो होती हैं अवेलेबल मार्केट में चीज़ें, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने फिर केक को फ्रॉस्टिंग कर लिया था और इसको अच्छे से मैंने कवर कर, ये देखें कि यहाँ पे कितना ये स्मूथ लग रहा था। और मेरे पास चॉकलेट्स पड़ी थी यहाँ पे, टैडी वाली चॉकलेट्स थी, और मैंने इनसे इसको डेकोरेट कर लिया था। और ये एक बहुत ही नाइस लुक आ गई थी इससे, और बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए मैंने डेकोरेटिंग के लिए ऐसी चीज़ प्रेफर की है जो बच्चों के लिए जो है वो आई कैचिंग हो।
और बच्चे खुश हो जाएं। बस मेरी नीज का बर्थडे था तो मैंने सोचा फिर ये केक भी मैं खुद ही बनाऊं और ऐसी चीज़ों से इसको डेकोरेट करूं कि जिससे वो खुश हो जाएं। तो इसीलिए बस फिर इस दफ़ा मैंने सोचा कि केक भी उनके लिए मैं खुद ही बनाऊं और डेकोरेटिंग के लिए भी फिर मैंने वही चीज़ें ली जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। और यहाँ पर मैंने इसमें कलरफुल स्प्रिंकल डाल दिए थे, मेरे पास ये घर में अवेलेबल थे केक डेकोरेटिंग के लिए, तो ये मैंने इसमें डाल दिए थे। इससे एक बहुत ही नाइस कलरफुल सा लुक आ गया था केक का, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो जी बस ये एक छोटी सी एफर्ट थी जो आपके साथ शेयर की है मैंने। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ दिए गए बेल के बटन को ऑल पे कर दें। इससे मेरी और भी मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।